So this is the day 9th video in the series Mission 40 Plus for SBI PO and Clerk. Very good morning, friends. Welcome to your own channel, The Humble Guy. Let's begin. Don't stop when you are tired. Stop only when you have achieved your goal. कहने का तात्पर्य ये है कि 5 अगस्त से पहले आप आराम की सोचें भी नहीं, ठीक है? सिर्फ ये 7-8 दिन मेहनत कर लेंगे तो आपकी लाइफ का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने मुद्दे की तरफ। तो हमने ये सारे कवर कर लिए थे, आज हम कवर करेंगे मिसलेनियस, काफी सारे टॉपिक, ठीक है? टाइम कम रह गया है। इससे पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आप हमारे सारे मिशन 40 प्लस SBI मेंस के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए हमारे, वहाँ पर वो प्लेलिस्ट में मैंने सारा वो वीडियो लगा दिया, वहाँ से आप एक साथ सारे वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। जैसा कि हम फर्स्ट स्लाइड में हमेशा बताते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें लगता है, हेडक्वार्टर्स ऑफ जेना स्मॉल फाइनेंस बैंक, वेर इट इज लोकेटेड, ये आ सकता है। द आंसर इज बेंगलुरु एंड प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेबी, सेबी का फुल फॉर्म कल बताया था आप लोगों को, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विच कंट्रोल्स द शेयर मार्केट। द आंसर इज चेयरमैन ऑफ सेबी इज मिस्टर अजय त्यागी। नाउ लेट अस कम टू वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड। इन एग्जामिनेशन में रीसेंट ट्रेंड ये बताती है कि इनमें मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी पूछी जाती है। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नेम हरिमाऊ शक्ति, इट वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। डेजर्ट टाइगर 5, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज व UAE, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसका कैपिटल है अबू धाबी, एंड मलेशिया, इसका कैपिटल कुआलालंपुर। वरुणा एक्सरसाइज इंडिया एंड फ्रांस नेवीज, इन दोनों की नेवीज के बीच में किया गया। विनाबैक्स इंडिया एंड वियतनाम, यहां से आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा, वियतनाम इंडिया और ये एक्स मतलब एक्सरसाइज। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका, इकोवेरिन इंडिया एंड मालदीव्स, और गरुड़ा इंडिया एंड फ्रांस। ओके, वियतनाम का कैपिटल हनोई, मालदीव्स का कैपिटल माले। लेट्स मूव, चलते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की तरफ। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट बैंक्स जो है ये कैसे यहाँ पर पिक्चर में आई। इनका मेन मकसद है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये एक टर्म याद रखिएगा, एक बार किसी एग्जाम से पूछा भी था। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब सीधा सीधा मोटा मोटी ये होता है कि भारत के 125 करोड़ जो नागरिक हैं उसमें से जो अंतिम पायदान पे खड़ा है उसे भी बैंकिंग सिस्टम में लाना और बैंकिंग सिस्टम का फायदा उसे भी पहुंचाना है। दिस दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंक्लूजन ऑफ ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट जयपुर, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जालंधर पंजाब, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक चेन्नई तमिलनाडु, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक त्रिशूर केरला, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक बेंगलुरु कर्नाटका, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक नवी मुंबई महाराष्ट्र, उज्जीवन है ये टाइप ऑर्डर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बेंगलुरु कर्नाटका, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक वाराणसी उत्तर प्रदेश, जेना स्मॉल फाइनेंस बैंक बेंगलुरु कर्नाटका, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक गुवाहाटी असम, असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर जगदीश मुखी। चलते हैं पेमेंट बैंक्स की तरफ। सबसे पहले बता दूं एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो था, इट वाज द फर्स्ट बैंक टू लॉन्च इटसेल्फ, ठीक है? टोटल 11 बैंकों को मिला था लेकिन 3-4 बैंकों ने वापस भी ले लिया लाइसेंस, मतलब लाइसेंस सरेंडर कर दिया, और जो लॉन्च हुआ उसमें सबसे पहले एयरटेल पेमेंट्स बैंक था। हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, फिनो पेमेंट बैंक हेडक्वार्टर लोकेटेड एट मुंबई महाराष्ट्र, IPPB इंडियन पेमेंट्स बैंक न्यू दिल्ली, पेटीएम पेमेंट्स बैंक विदेशिका शर्मा वाला, इनका है हेडक्वार्टर नोएडा में। इंपॉर्टेंट बातें, एयरटेल पेमेंट बैंक जैसा कि मैंने पहले ही बताया इज द फर्स्ट टू लॉन्च इट्स सर्विसेज, और सबसे इंपॉर्टेंट ये प्लीज याद रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस पेमेंट बैंक इज दैट दे कैन नॉट इशू लोन्स, दे कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड, डिपॉजिट ले सकते हैं लेकिन लोन्स और क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते हैं, डेबिट कार्ड दे सकते हैं, और डिपॉजिट भी जो है वो मैक्सिमम लिमिट है 1 लाख पर कस्टमर, दे कैन ओनली टेक मैक्सिमम डिपॉजिट ऑफ 1 लाख पर कस्टमर। ये याद रखिए, एयरटेल पेमेंट फर्स्ट
एयरटेल पेमेंट बैंक इज द फर्स्ट, लोन एंड क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते एंड मैक्सिमम कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ 1 लाख पर कस्टमर. लेट्स मूव फर्दर. The committee which recommended the formation of payment banks, किस कमिटी के तहत ये बैंक्स बनी थी? वो कमिटी जो हेड करा था वो थे नचिकेत मोर. और रीजन फॉर ओपनिंग, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, फाइनेंशियल इंक्लूजन, हर व्यक्ति का इसमें इंक्लूजन बैंकिंग सिस्टम के. इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे ध्यान में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रेडिट कार्ड्स आर ऑल्सो नोन एज प्लास्टिक मनी और स्मार्ट मनी, ये याद रख लीजिएगा. इसके बाद एक रिसेंट एप्स पोर्टल योजना जो आए हैं वो उस पर एक नजर डालते हैं. बिजनेस फर्स्ट पोर्टल लॉन्च्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट, अक्सन मोबाइल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, कॉप कनेक्ट तेलंगाना, आई हरियाली लॉन्च बाय पंजाब गवर्नमेंट, विकास यात्रा लॉन्च बाय छत्तीसगढ़, देन नेम ऑफ द पोर्टल अगेन प्राप्ति ऐप पावर मिनिस्ट्री, समग्रा लॉन्च करा केरला गवर्नमेंट ने, निदान लॉन्च बाय राजस्थान गवर्नमेंट, अस्मिता महाराष्ट्र गवर्नमेंट, प्रकाश है तो विकास है लॉन्च बाय यूपी गवर्नमेंट. और एक इसमें इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है, भावनांतर, जो किसानों के लिए भावांतर भुगतान योजना, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट श्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लॉन्च करा. गवर्नर कौन है मध्य प्रदेश की? श्रीमती आनंदी बेन पटेल. तो दोस्तों ये थी हमारी ये वीडियो, और आते रहेंगे वीडियोस. और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा चैनल द हम्बल गाई आप सब्सक्राइब करें ताकि यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस व्हेनेवर यू वी आर अपलोडिंग एनी वीडियो. और इसके बाद जो वीडियोस हैं अभी आने वाली उनके बारे में मैं आपको बता दूं, जो वीडियोस आएंगी, पहले तो ये सीरीज मिशन 40 प्लस, इसमें 3-4 वीडियो और रहते हैं वो मैं कंप्लीट करूंगा. उसके बाद एक मॉक टेस्ट होगा, जो भी मैंने वीडियोस बनाई हैं उसमें जो भी इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, और उसके एक जीएन फाइनेंशियल अवेयरनेस करीबन 100-150 क्वेश्चन विद ऑप्शंस मैं आपको दूंगा. आप उसे अटेम्प्ट करिएगा एंड यू विल सी आप कितने पानी में हैं और क्या आपकी प्रैक्टिस है. दूसरा, इसमें कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी है रीजनिंग सेक्शन में, ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इस पर भी मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, वीडियो लेके आऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट है. और इसके बाद फाइनली 2 या 3 तारीख को मैं लाऊंगा स्ट्रेटेजी फॉर द एग्जामिनेशन, पूरे एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जी एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ऑल सब्जेक्ट्स विल बी इंक्लूडेड एंड आई टेल यू व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी. क्योंकि किसी भी युद्ध में, किसी भी जगह स्ट्रेटेजी बहुत मायने रखती है. तो दोस्तों फिलहाल के लिए अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक दीजिए मुझे इजाजत. इट्स नमस्कार एंड गुड बाय.